नमस्कार, EM24 चैनल में स्वागत है आपका। जैसे जैसे 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भाजपा के लिए यूपी में सब कुशल मंगल होता नजर आ रहा है। पहले योगी केशव मौर्य की खींचतान, फिर अरविंद शर्मा को सत्ता की जगह संगठन में ले जाने का निर्णय, और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रदेश से विभिन्न जातियों से आने वाले 7 मंत्रियों का समायोजन। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 7 लोगों को इसी राज्य से मंत्री बनाया गया है। गौर कीजिएगा, इस विस्तार में न सिर्फ जाति और क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ नए चेहरे को उभारने का प्रयास किया गया है, इसके अलावा पिछड़ों और दलितों पर खास फोकस किया गया है। इस विस्तार के जरिए भाजपा मिशन 2022 के लक्ष्य को आसानी से भेज सके, इसलिए जाति समीकरण का दांव चलाया गया है। मोदी सरकार 2 के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के साथ ही चर्चा शुरू हो गई थी कि आगामी विधानसभा चुनाव के देखते हुए यूपी को खास तवज्जो दी जा सकती है। इसी पर अमल करते हुए पार्टी आगे बढ़ती देखी गई। मोदी के मंत्रिमंडल में अब तक यूपी से खुद मोदी सहित पिछड़े वर्ग के 4, 2 ठाकुर, 1 ब्राह्मण, 1 सिख, 1 पारसी शामिल थे। पहले गौर कीजिएगा, 7 नए मंत्रियों को शामिल करने के बाद राज्य के 15 में से 7 पिछड़े, 2 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 1 सिख, 1 पारसी और अनुसूचित जाति के 2 चेहरे हो गए हैं। अब पार्टी के सूत्रों ने हमारे चैनल से कहा कि भाजपा ने 2014 से ही गैर यादव, पिछड़ा और गैर जाटो, दलित पर फोकस करना शुरू कर दिया था। इसी आधार पर उसने 2014, 17, 19 के चुनाव में यूपी में विजय पाई थी। इसी फार्मूले को लेकर पार्टी फिर एक बार आगे बढ़ रही है। इसकी झलक भी केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में नजर आई। भाजपा में दलितों में जाटों के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाली पासी बिरादरी के कौशल किशोर पर दांव खेला तो कोरी समाज से भानु प्रताप वर्मा को मंत्री पद देकर खाचे में फिट किया गया। पिछड़ा कुर्मी बिरादरी से अनुप्रिया और पंकज चौधरी को मोदी टीम में शामिल किया गया। गौर कीजिएगा, पिछड़ा कुर्मी बिरादरी से अनुप्रिया और पंकज का पूर्वांचल में ठीक ठाक प्रभाव बताया जाता है, क्योंकि अनुप्रिया बीजेपी से आती नहीं है, सहयोगी दल से है और जीत जाती है, तो इसका मतलब उनका दबाव अच्छा। इसी तरह अजय मिश्र टेनी को भी विस्तार में जगह दी गई। मोदी मंत्रिमंडल में प्रदेश के 2 ब्राह्मण चेहरे हो गए हैं। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों प्रदेश के ब्राह्मणों में भाजपा को लेकर नाराजगी की खबरों को देखते हुए हाईकमान ने यह फैसला किया। सूत्र बताते हैं कि यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, यहाँ के चुनाव में जाति समीकरण का अच्छा खासा महत्व है। गौर कीजिएगा, यूपी और बिहार में इसका जाति समीकरण बहुत अच्छा खासा महत्व हो जाता है चुनाव में। इसी को ध्यान में रखते हुए विस्तार किया गया। यूपी में गैर यादव और दलितों में गैर जाटों पर भाजपा का खास ध्यान है, क्योंकि इसी की बदौलत इनकी पार्टी सत्ता में है। भाजपा इस वोट बैंक को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती है। पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी से 15 मंत्री सबसे अधिक आबादी वाले राज्य का दबदबा अब नजर आया है। गौर कीजिएगा, पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी से 15 मंत्री सबसे अधिक आबादी वाले राज्य का दबदबा अब नजर आ रहा है। यूपी फतेह करने की अहमियत भाजपा के रणनीतिकारों को अच्छे से पता है और इसी कारण यूपी में यह सियासी दांव चलाया गया। इसी के साथ अब देखना है कि आगे की मंत्रिमंडल नए बने हैं और नए मंत्री बने हैं और आगे चुनाव में कितना फायदा होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ अभी तक के लिए नमस्कार, फिर कल मिलेंगे।